आपने भी अपने करियर में आज तक कुछ ना कमाया, बस ईमानदारी में रह गए। ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से ही खा ले आदमी, वही बहुत है। आदमी को दो रोटी तो खानी है, आदमी को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए कभी। सही बात है सर। सर आपने आज तक बहुत केस सॉल्व किए हैं, मुझे कोई ऐसी कहानी बताओ जो आपके दिल के बिल्कुल करीब हो। हाँ एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब रही है। गांव का एक सीधा साधा लड़का जो अपने कर्म चरित्र से बिल्कुल राम, और उसी गांव का दूसरा लड़का सुल्तान, बहुत बड़ा हैवान। सुल्तान भाई माफ कर दो, अबकी बार माफ कर दो सुल्तान भाई, आपकी बार माफ। मौत भी कितनी अनोखी चीज है, कितना भी भाग लो इससे तेज नहीं भाग सकता। छी तू कितना बड़ा बदनसीब है रे, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। चल कोई बात नहीं, खुदा के घर तो जा ही रहा है, वो अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लेना। सुल्तान भाई मेरा घर जमीन सब ले लो, मुझे माफ कर दो सुल्तान भाई, आपके माफ कर दो सुल्तान भाई। बहुत बुरा आदमी है भाई ये तो। अगर तुझे मेरे नाम जमीन करनी थी क्यों भगाया भी मुझे इतना, मेरा डीजल भी फुकवा दिया। अब शर्म करो शर्म, मुझसे इतने पाप मत कराओ, मेरे पाप का घड़ा भर जाएगा, मैं जन्नत की बजाय दोजख में चला जाऊंगा, ये जन्नत में जाएंगे। चल अंगूठा ले ले इससे। सियाई कहाँ है, कहाँ से लेगा अंगूठा? चल कोई बात नहीं, इधर देखा ये वाला लगाए ना भाई। कम पड़े तो और बता देना, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, तेरा सारा कर्जा उतर गया। और सुन आगे जरूरत पड़े तो बता देना, अभी तेरी लड़की भी जवान है। चलो भाई बैठो, चलो भाई बस स्टार्ट कर। अरे पंखा क्यों नहीं चल रहा? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही लग रहे। यहाँ देखो क्या हुआ जी? बचाओ 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 बचाओ, राम भैया तुम्हारे भैया को बिजली ने पकड़ लिया। ओ तेरी, भाभी तू यहाँ पकड़ी ले। भाभी तू इसने मसल, मैं डॉक्टर ने बुला के लाया। हाँ जी भैया। अब तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक। दवाई ली थी? हाँ। बुखार तो नहीं है? हाँ। थोड़ी सी और दवाई लिख देता हूँ, इसे ले लेना, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब सुखा बिजली ले पकड़ ले, एक बार चलिए जल्दी। अच्छा मैं थोड़ा। हाँ भाई इंजेक्शन लेके चलो।
जल्दी आओ। डॉक्टर साहब देखियो, जा डॉक्टर साहब देखियो। इनका हाथ पैर मलो जरा, घबराने की बात नहीं है, अभी इंजेक्शन दे देता हूँ। घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब दवाई? दवाई मैं अभी दुकान पे चलिए, वहाँ पे जाके पर्चा बना देता हूँ। ठीक है, बाकी दवाई वहाँ से दे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ अभी दुकान पे। ठीक है। भाभी मैं एक फिर डॉक्टर पर दवाई लिया हूँ। हाँ भैया। हाँ पानी। भाभी ले गोली, एक खुराक का भी दे दिए। अरे भाभी तू परेशान हो रही है, अब तो ठीक है। कितनी बार कही है मैंने इनसे, नंगे पैर तालों को मत छुए करो, आज इन्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। अरे भाभी तू कैसी बात कर रही है, कुछ होता तो भगवान मुझे कोई भेजता। चुप हो जा। अरे भाई ठीक तो है। अरे भाई तू भी नंगे पैर बिजली मत पकड़े कर, भाभी तो छोड़ दे, बिजली ना छोड़ती है। भाई अगर तू ना होता तो आज मेरा क्या होता। यार तू यह बात मत कह, तू मेरा भाई है और पड़ोस का है, अपना अपना ही हो, मुझे पराया मत कर, लौट जा। दवाई दे दी भाभी। ठीक है भाभी। पिताजी पानी तो मैं पिला देता। तेरा पता ही ना कहाँ है, तड़की थे कहाँ था। पिताजी हरिया बिजली ने पकड़ लिया। अच्छा, तो वहाँ देर सी हो गई और आज उसे बचाने के चक्कर में दूध और बिखर गया। अरे भले मानस, जिब भी देखे दूसरे के बारे में सोचो, कुछ अपने बारे में भी सोच ले। मेरे तो पीछे तेरा क्या होगा, मैं तो देख ले। पिताजी आजकल अपनापन और भरोसा बचा ही कहाँ है, बस मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपनापन और भरोसा जिंदा रहे। यह इतनी अच्छाई भी बली ना उतनी, या दुख दे जा बाजी पर। आ जाओ पिताजी दवाई ले लो। चल भाई। यार दो दिन हो गए दारू भी नहीं पी, साला टाइम ही नहीं कट रहा हमारा तो। ओ चुम्मी कहाँ जा रहा है। हाँ भाई मेरा नाम चुम्मी ना पप्पी है। अरे तेरा नाम चुम्मी हो या पप्पी एक ही बात है, हम तुझे प्यार से किसी कह देंगे। हैं रैपट और थप्पड़ जो भी एक बात हो, ऐसा मारूंगा साले के मुंह आगेगा, फिर सोच ले उल्टी खाते करेगा। यो क्या 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 गया। अरे यार यू यू कह गया इस बात है तो बहुत गलत बात कह गया भाई। लो पिताजी हाथ धो लो। पानी भी शेला लग गया सुसरे का। लो खाना खा लो और पीने का पानी यहीं धरा। पिताजी आज तो मैं लेट हो गया, चक्की गया। कोई बात नहीं, रोटी तो खाता जाता। बस चलू पिताजी, दोपहर में खा लूंगा। आ जाइए। हाँ पिताजी आ जाऊंगा। हाँ हाँ आराम से जाग रहे।
आई? कल रात। बताया भी ना? अगर पहले बता देती तो तेरे चेहरे पे चमक कैसे देख पाती जिसमें मैं हमेशा मरती हूँ। तेरे से कितनी भी बात बनवा लो, चल अब तो मुझे देर हो रही है और पिताजी का ख्याल फरा गया। हाँ हाँ रख लूंगी, बताने की जरूरत ना है, मेरे भी तो पिताजी है वो, मैं ना रखूंगी तो कौन रखेगा, कोई देख ली क्या? हाँ एक गोदाम पे आ तो रहे रोज, बोली राम जी ये दे दो, राम जी वो दे दो। एक दिन तो मंदिर के पास भी आ गई, बोली राम जी औलाद दे दो। अभी वो ना पता कौन से राम जी थे, कह रही थी। मुझे तो पहले पता था तुम मेरे पीछे ये सब करोगे। आज मैं भी चलूंगी तुम्हारी चक्की पे, मैं भी देखूंगी कौन है वो लंका, वही बॉल पकड़ के ना मारी तो मेरा नाम भी रोशनी ना। मजाक कर रहा कोई ना, तो छेड़ रहा है। अगर कोई हुई ना तो उसे वही मार के खुद जेल चली जाऊंगी, फिर घूमने इस पुच्ची के साथ। अरे पप्पी नाम है मेरा। तू चुप कर, अश्लील नाम वाले आदमी। ये लो एक तो भलाई करो, ऊपर से सुन भी लो। हरकत तो तेरी पिटने वाली है रोशनी, शाम को लड़ेंगे, अब देर हो रही है। अच्छा मैं लड़ती हूँ? मन्ने कब कही? अभी तो कही। मन्ने ना कही, तुम दोनों ही घूमियो, जो कहा मन्ने का भाई तो चल। ठीक है। बेटा दवाई ला दे ना, मेरे बस की तरह कर्जा उतारना ना मेरे बस की तरह इलाज कराना, जब बोई पांच ना करे तो मैं क्यों करूं, चल निकल यहां से। चाचा की बात हो गई? अरे भैया चार दिन से बीमार पड़ा हूँ, ये लौंडा सुन कर नहीं देता बिल्कुल कोई सा भी। 20 रुपए पड़े थे मेरे, 40 रुपए की दवाई आएगी। अच्छा 20 रुपए ले जा दवाई ला दे। चाचा ये 20 रुपए भी धर ले, मैं अभी दवाई ला रहा हूँ, अभी खा लिए। हाँ चाचा मत दो पैसे, ये तो दानवीर करण की औलाद है ना। ओए जिस दिन बाप बनेगा ना, जब पता चलेगी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गए। और मैं तेनु कहूँ इस दुनिया में भगवान सबसे पहले है तो माँ बाप है। भाई तू पैंडल मार ले ज्ञान ना पहले, अगर रवाना पहुंचे ना तो मालिक पहल देगा, चल। हाँ हाँ पहले चाचा की दवाई लाएंगे और चाचा को दवाई देकर जब चलेंगे, चल। कितना खुश नसीब है इसका बाप जो इसके जैसी औलाद मिली। मेरे 6 हैं, मैं फिर भी धक्के खाता फिर रहा हूँ। बाप मेरे ससुरे अभी तक ना आए, कहाँ की ड्यूटी कर रहे हैं, ना न्यू पता लगता मालिक वे हैं या मैं हूँ। और सौड़ों को मैं न्यू ना मारता हूँ, कभी मर जा। हाँ राम राम डमरू चक्के वाले। राम 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 राम। तुझे पता है सुल्तान ने एक आदमी ठोक दिया? अजी मेरा वो कहाँ का पहलवान, कहाँ का बदमाश है, काला एक दिन मेरे से लज गया, इतने रैपटे मारे 6 महीने भीतर पड़ा रहा ओ सुल्तान। अरे डमरू मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो खा में खा बजे जा। मजाक कर रहा था ताड़े, तुझे पता कितना बड़ा बदमाश हूँ मैं, मेरे मजाक कितना महंगा पड़े। अरे यार मैं तो 5 किलो आटा लेना आया था। ला पैसे दे। पैसे होते तो मैं तेरे जोरे आता। तो यहाँ खराद बट रही है। तू अपना यार ना है? हाँ तू तो मेरा यार है, मैं तो यार की तो छोड़ अपने बाप को तो उधार दू नहीं। अरे चल यार पैसे ले आ, जब भी मिलेगा आटा, नहीं तो जब तक भात खाओ जाओ, चलो। अरे यार डमरू तेने 6 साल की यारी पे थूक दिया। यारी में चक्की दे दू तुझे तेरा ससुरा, और देख ले अभी तक नहीं आई, आज सोल बैठा लूंगा इनकी। अरे तू क्यों छेड़े है उसे, वह छोटी सी बात पर नाराज हो जा। कैसी बात कर रहा राम, भाप भी है मेरी, मैं ना छेड़ूंगा तो कौन छेड़ेगा? और तुझे इतनी बुरी लग रही है ना राम, तो जुबान है इस पप्पी की, अब तो छेड़ के दिखाऊंगा। छेड़े तो है, किसी दिन थपेड़ देगी तुझे। और सुन मेरी मुलाकात ही थप्पड़ से हुई और मेरी प्रेम कहानी रैपटे से चालू हुई, पर है दिल की बहुत अच्छी। अच्छा अरे वाह, जाना मेरे घर को रोशन कर देगी और मेरे पिताजी का बहुत ख्याल रखेगी, बहुत संस्कारी लड़की है। संस्कार तो हमारा मालिक ही है, जल्दी चलने वरना थपेड़ देगा हमें। सही कह रहा, आ जल्दी आ जा। एक तो यार साइकिल, कितनी बार इसमें ब्रेक गिरवा ले, कदम मरे। तनख्वाह ही बहुत मिल रही ना। मैं तो भैया आज तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया था मैंने सुना था। हाँ जी वो तो राम ने आके बचा लिया मुझे, अन्याज तो घर का नाश ही हो गया था, अपनी जान पे खेल का बचाया। बहुत बढ़िया बालक है भाई साहब, कुछ जैसा इंसान ना गाँव में दूसरा। हाँ जी सही कह रहे हो, कुछ जैसा इंसान है नहीं। हाँ भी सुक्के पैसे ना पहुँचाए अभी तक, लगे तेरे दिल से सुल्तान का डर खत्म हो गया। सुल्तान भाई नमस्ते। सुल्तान भाई थोड़ी सी मोहलत तोड़ दे दो, अब क्या व्यवस्था खराब होगी, आपकी पाई पाई लुटा दूंगा मैं। मोहलत ही तो ना मेरे पास, अरे खुदा ने एक जिंदगी दी है,
इसमें भी मोहलत देता रहा तो तुझ जैसे आदमी को कद मारूंगा, समझ गया? इधर आ। अरे मत डर मेरे पास आना, देख या तो मेरे पैसे दे दे, अनी मैं तुझे जिंदगी भर कमाने लागने छोड़ने का। सुल्तान भाई छोड़ दो, तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा मैं, एक एक पाई दे दूंगा। सुल्तान भाई छोड़ दो, सुल्तान भाई छोड़ दो, सुल्तान भाई छोड़ दो, अब तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, मेरे हाथ कट जाएंगे। सुल्तान भाई छोड़ दो, छोड़ दो सुल्तान भाई छोड़ दो। ध्यान रखना। अरे डमरू जान लगा ले, जान 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 तो बेटे मेरे में इतनी है कि एक घंटे में दो ट्रक गन्नों के भर दूंगा। वे तेरे में क्या जान है जो मेरे में, किसी टाइम पे गोटा जमीन में मार के पानी निकाल देता था मैं। हाँ जब भी गोड्डे की पाली उतर रही है, क्या सोच रहा? तेरे को जान नहीं दिखाऊंगा अपनी, मैं भंती का काम कर लेकर अपने बोझ तले दबके मरेगा के, काम कर, चल जा, चला जा मेरे ससुरे। अरे एक बात और, जिस दिन तुम मर गए ना, ये हत्या मेरे नाम लगनी है। साले जोर उतने लगा कर जितने तेरे बस की हो, सनी हुई पैंट में बदबू बहुत बुरी है भाई। काम कर ले जा। अरे राम भाई उंगा। हाँ डमरू। यार तुझे माँ याद कर रही थी, न्यू कह रही जब सही यहाँ तेरी दुकान पे आया ना, हमारी तकदीर बदल गई, एक बार यार माँ से मिल लिया जाके। तकदीर तो भगवान के हाथ में बदल ली, मैं तो बस ईमानदारी से काम करूँ भाई डमरू। हाँ। अरे यार तेरी यही बात तो मेरा दिल छू जावे, मैं तो इसलिए कुछ ना करता, तू लेट बहुत आवे। भाई एक तो पिताजी बीमार है और गांव के भी एक दो काम करने पड़ जाना। और पिताजी से याद आया, उनके दवाई भी देनी है, उनके खाना भी बनाना, मैं अभी आया डम्बू। हाँ, भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत भला आदमी है। रोशनी। हाँ बुआ। मैं सोच रही हूँ तेरे पापा से बात करूं, क्यों ना तू मेरे पड़ोस में ही रहे, मेरी आंखों के सामने रहोगे और बुआ भतीजी दोनों दुख सुख की बतड़ा भी लेख रहेंगे। अन्नी तो लोग नू कहेंगे बिगर माँ की बाला की, ध्यान ना रखा उसका। और फिर राम जैसा लड़का मिलना भी तो मुश्किल है, राम बहुत अच्छा लड़का। बुआ चावल साफ हो गए, मैं अभी आती हूँ। बता यार गांव में तेरा उधार होगा, जिसे उधार दे दूं पैसे देने का नाम लेता, इनका भी करना पड़ेगा मुझे। ए वे डमरू। हाँ भाई। तू हमें आटा नहीं देगा तो मर कर रोटी नहीं बनने की क्या? अरे मेरे ससुरे, मैं तुझे इसलिए आटा नहीं देता हूँ कि तेरे पे पैसे ना, यू बात ना है, मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि तेरे निठल्ला काम चोर है, कुछ काम कर। काम कराओ ना, कराओ। हाँ मेरे पे काम है, तू एक काम कर, जिन पे मेरा उधार है कुछ लोग अन्ना कान नहीं कर रहे, तू एक काम कर मेरी गैल चल। भाई देख मेरे पे कोई नहीं बनने का, एक आध मर गया 5-6 साल की जेल और हो जाएगी तेरे चक्कर में। अरे तुझे मारना नहीं है, मैं जीने पाड़ पाड़ के फेंकूंगा ना, तूने इकट्ठा कर करके फेंकता रहिए। ठीक है तो चल, चलो चल आगे आगे तुम रहो। भाई धर्मवीर बस ठीक ही मान, दवाई चल रही, बस गिन रहा अपने सांस और के मगा एक चक्कर सा लगा जाता। प्रणाम अंकल जी। प्रणाम बेटा, आजा बैठ जा। कद आई तू? मैं कल ही आई थी। अच्छा अच्छा, आपकी तबीयत ठीक है? बस ठीक है बेटा, अब तू आ गई और ठीक हो जाएगी। दवाई खाई आपने? बराम आवेगा, चाय बनावेगा, जिब देगा दवाई तुम्हारी। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और दवाई ला देती हूँ। ठीक दवाई का रखिए भीतर दरी, या तो मैं ले ली थी वह पीन वाली रह रही बंद कर दे। ठीक है। ले बेटा। मैं चाय बना देती हूँ। चाय बना दे, जीती रहो बेटा तू। बस दवा उन्हें भी मार लिया, पता नहीं कद लोग खानी पड़े। रोशनी बेटा मीठा थोड़ा हलवा रखिए और अपने नाम की बना लिए। अरे रे रे रे, सारा गाट टूट गया बिल्कुल, सर बेहतर रही नहीं। फिर कोई कर रहा दिखे।
पिताजी लेट हो गया, चाय बना दूं और दवाई दे दूं तुम्हें। दवाई तो ले ली बेटा मैं, चाय बनाने लग रही रोशनी लग रही वा भीतर। रोशनी? ओहो, अब तो बड़ी रोशनी रोशनी हो रही है। हाँ जा लिया गलवा लिया। ओहो मैं तो डरी गया, हमारे घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई। हाँ हाँ अब तो मैं चुड़ैल ही दिखाई दूंगी, 4 महीने हो गए मुझे जाए हुए, ना कॉल करा ना मिलना है। प्यार भी करो या ऐसी टालने लग रहे हो? अरे यार तुझे सब पता है, मैं पिताजी ने छोड़ के कहीं ना जा सकता, और प्यार की तेरे से अच्छी कौन जान सके, कितना प्यार करूं मैं तुझसे। चल ठीक है चलता हूँ काम, पापा को चाय दे दे। ठीक है पिताजी मैं चक्की पे जा रहे हूँ। सुनो मुझे भी छोड़ देना, मुझे टेलर के जाना। अरे तू बाद में चली जाइए। देख रहे अंकल जी अभी से साथ ले जाने में भी शर्म आ रही है। ए, गेले के जैसे बात बता रहा। जा बेटा। शाना बैठ जा। अरे सुन अपनी बुआ से तो बताया। हम बे इतने दिन बाद तो मौका मिला तुम्हारे साथ घूमने का, उसमें भी बुआ को बतवा दो। चलो तुम आ तो बैठ। कितना वजन हो रहा है। राम मुझसे सब पूछते हैं कि हमारी शादी कब होगी, बताओ ना कब होगी हमारी शादी। करेंगे, अरे थोड़ा सा पिताजी ठीक हो जाए और मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, कई जगह फार्म भर रखे हैं। अच्छा वैसे शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे? थोड़ा बहुत तो बदलना ही पड़ेगा। पर क्यों? अरे बुढ़े भी होंगे तो बदलूंगा ही। अरे पागल वो बदलना नहीं कह रही, कहीं शादी के बाद तुम मुझसे प्यार तो करना कम नहीं कर दोगे? ओ दीदी वो प्यार है, अलवारी में धरा पैसा कोई है जो खर्च हो जाएगा, बाकी और तू समझदार है। ना मैं तो पागल हूँ। वो तो है पक्की। हैं? क्या बोले तुम? अरे मेरी पगलेट मैं काम पे जा रही हूँ, तू भी घर जा। हाँ हाँ तुम्हारी पहली बीवी तो तुम्हारा काम ही है, मैं तो बाद में हूँ। मेरा काम मेरा वजूद मेरी पहचान है, और तू मेरा प्यार और मेरी जिंदगी है। अरे लौंडे आज तो गम में बहुत दिन बाद तितली दिखाई दी है। तो गम में बहुत दिन बाद भाई तित्तर भी बैठा है एक। चल तित्तर के पंख तो दो काट दिए, मुझे तो बस ये तितली चाहिए। कुत्ते मेरे मामले से थोड़ा दूर ही रहकर, तेरे जैसे कुत्ते मैंने बहुत उखाड़ रखे हैं। खुराक मांग रहा दिखे। राम तुम इनके मुंह क्यों लग रहे हो, ये तो बदतमीज है, चलो यहाँ से। अच्छा हमारे मुंह क्यों ना लगे, हम भी इंग्लिश वाला मंजन करें, हमारे मुंह से बदबू ना आती, ले देख ले। तेरी तुम चलो यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम है। अरे भैया मैं तो डर गया इस बदमाश से, कभी मुझे ना फाड़ दे। इसका इलाज भी करना पड़ेगा। मेरा नाम भी खुट्टा, ऐसा खुट्टा गाड़ूंगा सारी जिंदगी नहीं लिखने का। चलाओ डमरू भाई, जो अपना बॉम्बे वाला फ्लैट है ना, आप उसे नहीं बेच रहे। कैसे करे भाई? बात बेच दो, पैसे की तंगी है। आ गए डमरू। ठीक है तू? हाँ ठीक है। यार मैं एक डकादे में गया हा, और वहां चक्कर आके गिर गया मैं, चक्कर साथ में। पागल मत बना, पिट के आ रहा दिखे। छोड़ी रहे मैं, छोड़ दो इंगाट। हेलो हेलो साले, मुझे कोई मार भी सके के? मैंने अच्छे अच्छे को पाड़ पाड़ के फेंक रखा है, हल्के में रहा बात जा पड़े ही सुसरी का। बॉस मुझे लगा तुम सचिन पिटकाई दिखो पीछे। अरे बाप साले अपने आदमी का बेइज्जती कर रहा। साई राम राम। राम राम बेटा, राम राम। तेने बुलाया क्या मैं? आजा बैठ बेटा। बेटा मैंने कह रही थी तू बाजार को जावे तो मेरा एक आधा सामान लेता ही है। ले आऊंगा ताई। ले आऊंगा? बेटा मेरा तो ऐसा मन सा घबरा रहा कि जिंगे तिंगे की बात सी सुन के कोई कहीं भगड़िया लेके, कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा। देख तू रोशनी को चाहवे, रोशनी तुझे चाहवे, तो क्यों ना तू अपने पिताजी से बात कर ले, हम भी राजी हैं, ब्याह कर देंगे रोशनी का तेरा।
ताई हम ना कोई सा गलत काम करें। मैं सोच रहा हूँ पिताजी थोड़े ठीक से हो जाए तो जब ही कर लें। हो जाएंगे पिताजी भी ठीक, रोशनी चली जाओगी तो खूब सेवा करेगी तेरे पिताजी की। अरे मैं भी सोच रहा था ही, दो चार ईंट भी लगा देता। भाई तो सोच तो अच्छा ही रहा वैसे तो। ताई वो रोशनी ना दिख रही? रोशनी पथवारे में को गई है पड़े लेना। अच्छा ताई, ताई मैं भी खेत में ना होया हूँ। चल ठीक है। कितना अच्छा छोरा है, अपने पिताजी के बारे में कितना सोच रहा। मेरी रोशनी को ये छोरा मिल जाए, इससे ब्याह हो जाए तो मैं भी सुखी और मेरी रोशनी भी सुखी। आजकल ऐसे छोरे मिले कहाँ भले। तुम भी खड़े खड़े थक गए होगे, तो मैं एक शेर सुनाता हूँ। अर्ज क्या है? गहराई ने मेरी गहराई को इतनी गहराई से देखा, गहराई देख के बोली अरे मैया इतना गहरा। अबे बाबा क्या तुम्हारा बाप करेगा? भाई अब्बू तो एक साल पहले निकल लिए थे, तुम कौन से अब्बू की बात कर रहे हो? मजाक चल रही है? अरे वाह, अगर शेर इतना अच्छा लगा तो एक और सुनो कि तुम आए मेरे पास से गुजर कर। सलाम भाई। सलाम सलाम, आजा। ठीक है छोटे भाई, मैं ये सोच रहा कुछ दिन के लिए पहाड़ पर घूमने चले जाऊं, दिमाग थोड़ा परेशान है। दिमाग तो परेशान रह गई तेरा, नशे बहुत कराए ना तू। अबे नशे कम कर दे, दिमाग ठीक हो जाएगा। भाई तुम्हें तो पता मुझे घूमना कितना पसंद है। पसंद तो तुझे करे कराए, काम पर मुतना भी है। मुतन दू तुझे? ए भाई प्लीज जान दो ना। भाई कैसे? भाई प्लीज, भाई कैसे? भाई प्लीज। ठीक है यार, मालिक 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 मालिक, इंसाफ दे दो या जहर दे दो। आपका भाई 3 दिन पहले हमारे घर पैसे लेने गया, मैंने उसे 3 दिन बाद के लिए बोला, उसने मुझे बहुत मारा। मेरी बहन से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसके चांटा मारा। मेरी बहन का अभी तो कुछ नहीं बता। भाई साली ज्यादा नखरे कर रही थी, मैंने थप्पड़ मार दिया, जाके सिर लगा दीवार में, टाइम हो लगी। तू पागल है छोटे, मरवाएगा किस दिन? अरे हाँ भाई, तेरी बहन किसी और के साथ भाग गई होगी, तो बिना मतलब है चलाया। और वैसे भी तेरे घर में रहकर क्या करती, तेरा खर्चा ही करवाती। तो थाने में रिपोर्ट करा दे, और हाँ तेरा कर्जा भी माफ। नहीं मालिक। बोलो ना साले निकल यहाँ से। मालिक पहले खुद की छोरी ऐसी मायने जाती, जब भाग जा उसके बाद हम जैसा अमीर और शरीफ लोगों पे इल्जाम लगाओ। मुआवजा चाहिए तुम्हें, है कोई से बाहर यहाँ से? तुझे कितनी बार कहा जा यहाँ से? मालिक मालिक मालिक। अरे तुम इंसान हो कि हैवान? साली तेरी बहुत जवान चल रही है, पहले तुझी देखूंगा आज। देख लेना तुम लोग एक दिन इतनी बुरी मौत मरोगे, तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं होगा। धीरे बोल, जिंदे पे पिला रही तू अमृत, जो मरे पे प्यासे मरेंगे। तू खुद को बहुत बड़ा मर्द समझता है ना, तुझसे बड़ा नामर्द आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। देख लियो एक दिन भगवान तुझे ऐसी नरक की आग में जलाएगा। मेरा जो होगा तो देखा जाएगा, अगर तू ऐसी जवान लड़ाती रही ना, तुझे किसी दिन जिंदगी को फूंक दूंगा। हाँ फूंक फूंक। हैकोरे से बाहर ठाक है। अरे आई ना अभी तक भी। अरे आ जाएगी, तो मेरी बात सुन। ओ तुझे पता है करतार की छोरी के भूत कैसे आवे? मुझे तो ना पता। सुन फिर, रात को तू दीवार कूद जायो और वापिस आवे तो उस पर भूत चढ़ जावे, कुछ समझा? के बकवाद कर रहा तू? अरे मैं यही बात तो करतार को समझाने जा रहा था कि ये सब चढ़ने उतरने का मामला है, साले ने मेरा भूत बना दिया। कौन कहां से चढ़ के उतर गया? अरे वो करतार की छोरी ना है के, वो जब चढ़ रही उतर रही थी। चुप कर, तू इतनी लेट क्यों आई? घर में काम वाम भी हो, मैं समय लग गया। के बात होगी, क्यों बुलाया था ने? कुछ ना,
ऐसे बैठ के अकेले में बात करने का मन कर रहा तो बुला लिए। तेरा तो अकेले में बैठ के बात करने का मन कर रहा था, किसी किसी का तो ब्याह करने का भी मन ना करता। हाँ ब्याह का तो इनसे जिक्र ही मत करो। ए, जा तू। ठीक है जा। आग लगा रहा। रोशनी तुझे ऐसा क्यों लगा मैं तेरे से प्यार ना करता? इस दुनिया में मेरे पिताजी और तेरे अलावा है ही कौन? ऐसी बात क्यों करो जो मेरे लगे हैं? बात की तो पता ना, पर आज मैं तेरे लगूंगा जरूर। हाँ सुख के ज्यादा तो ना लगी? ना जी ज्यादा ना लगी। अच्छा ना लगी, मोटी चमड़ी हो रही है। पूजा भाई क्यों मार रहे हो इन्हें, क्यों मार रहे हो? सूखे तेर से कही ही, सुल्तान का पैसा खाने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ है। पैसा मांगने के टाइम पे तुम ही आता हुआ आ जा। भाई साहब पैसा दे दो, ना मिले तो मर जाएंगे। पैसा देने के नाम पे तेरी मम्मा मर जा। खोलो रे, खोलो गाय, खोलो इसकी। कूटो भाई गाय मत खोलो हमारी, ये कि यही तो है जिससे हमारा पेट भर रहा है, इसे भी तुम ले जाओगे। कूटो भाई इतना नट मत। ओ भैया रहन दे, इनकी गाय वाय मत ना खोल ले, दे देंगे तेरे पैसे। खोल जल्दी खोल। मैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? तू ले आया, चल यहां, चल ओए मेरे होते हो तू ऐसा नहीं कर सकता कुत्ते। तो और क्या करूं, 5,000 रुपए लाया मेरे भाई से, ब्याज लग लग के 1,00,000 रुपए हो लिए, इसके ढोर ना खोलूं तो क्या करूं? पता तेरे ब्याज का हिसाब? 5,000 रुपए के ऊपर किसी के घर पर कब्जा करोगे? कौन से कानून में लिख रहा है? इतनी तकलीफ हो रही थी तू दे दे, अरे ब्याज ही माफ कर दूंगा अगर तेरी जेब में खड़े खड़े 5,000 रुपए लेकर जाए। ले 4,000 रुपए, 1,000 रुपए बाद में दे दूंगा। 5,000 रुपए की औकात ना, अरे तेवर साले दुबई के शेख वाले बने तुम्हारे। ले 1,000 रुपए, इनकी तरफ आंख भर के मत देख लिया कभी। चलो रे हटे से। राम भैया तुम्हारे एहसान कैसे उतारेंगे हम? अरे भाभी तू ऐसी बात मत करे कर, गांव बस्ती में ऐसा हो कर है। चल भाई लुटा इन्हें। हजार रुपए मिले थे मुझे तनखा के, और वो भी तने उसे दे दिए। मेरे भाई पीने का पूरा मूड बना हुआ था मेरा, अब क्या भैंस के नीचे कटोरा लेके बैठू उसको मूत पीऊ? दूसरे की मदद करने से इंसान कभी गरीब ना होता, और 1,000 रुपए की ये दुआ तेरे जीवन में कहीं ना कहीं काम आएंगी। और नाटक मत कर, 4,000 मिले तुझे खूब पी लिए, जो तने पीनी है तो। इससे पहले तो बच्चे कुछ निकलवा दे, चल ले। भाई राम अब तो तनखा आधी मिलने लगी भाई। अरे आधी मिली है, परसों मिलेगी पूरी। मुझे तो ये बढ़िया हिला हुआ लगा। जब पूरी तनखा देनी थी तो एक साथ दे देता, चिल्लर थमाने की क्या जरूरत थी? चल भाई काट के ला जा बाहर, धो दे जा कर, क्या काट के ला जा। ए भाई तू भाई के चक्की काट रहा, खा के भाई के पैसे ना देगा तू, इतना बड़ा हो गया है? भाई तो मारने को मना कर रहा, इसने धो दिया दिखे। डमरू कौन सी चक्की काटा खबा रहा है, पलित का पलित पड़ा अंदर। अच्छी हाँ चलिए। अरे वह थोबे से मुंह के, एक तो मारा ही खावे यार, हम ही गुर्रावे हैं, मारा खावे आटा और मारा ही मारे चाटा तेरी बहाण का। बदमाश बन रहा, फाड़ फाड़ के सुखा दे तुझे। साले झेंद को पाई दूंगा, और सुन पैसे लेन फेर आऊंगा, सुन ले अपनी दवाई गोली करवा लिए चले। पिताजी राम राम। राम राम बेटा। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आज वहाँ बहुत काम है तो मालिक ने बहुत लेट छोड़ा,
तुम्हारी रोटी का भी लेट हो गया, चलो अब बनाए दो। ना ना, खाना तो वह बनाएगी रोशनी, और तेरा भी बनाएगी, दवा भी देगी मुझे, रोटी खा ले तू। अब तेरी तो गड़बड़ हो गई, बाट देख। अरे तू कहाँ चला, रोटी तो खा लेता। नाराज मत हो, नाराजगी हमें बर्दाश्त नहीं, पंख होते तोड़ के आ जाते, शायद आपको विश्वास नहीं। जब तक तुम मना नहीं करोगी ना, जब तक दंड बैठक मारता रहूंगा, पर नाराज मत हो। तुम पागल हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। पागल तो हूँ, तेरे चक्कर में। राम, तुम वाकई में बहुत सीधे हो, और इतना सीधा होना अच्छी बात ना है। ये दुनिया बहुत टेढ़ी है, सीधे लोगों की कोई कदर ना है यहाँ पे। रोशनी जरूरी थोड़ी है, हर इंसान एक सा हो, कर्म करो और भूल जाओ, और करना ही है तो अच्छा ही करो, बुराई से क्या करना है। राम, मुझे कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है तुम इस दुनिया से ही अलग हो। इतना अच्छा दिमाग, इतना अच्छा दिल और इतना अच्छा इंसान। सच में बड़ी किस्मत वाली हूँ जो तुम मुझे मिले हो। और मैं भी बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम मिली है। हेलो। हाँ भैया, राम राम। अरे भैया, मैं नो कह रही थी, हमारी पड़ोस में लड़का ना राम, वो तो तन्ने देख ही रखा, उसे हमारी रोशनी भी पसंद करे, और वो छोरा भी रोशनी को पसंद करे। अकेला ही लड़का भैया, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छे संस्कार हैं, और पूरे गांव में नाम है उस छोरे का। तू आ जा एक बार और उस लड़के को देख कर भैया अपना रिश्ते की बात कर जा। हाँ आ जा, चल ठीक है। ओ ताई, ताई, ए कहाँ है ताई? हाँ, क्या काम है? अरे काम है कुछ, कहाँ गई है ताई? बुआ ना है यहाँ पे। कोई बात नहीं, तू तो हैगी। अच्छा, हाँ? जब बुआ मैं तभी आई हूँ। सही रहा बुआ ना, मैं तो देख का आया, बुआ ना हो। देख लिया ना बुआ। रोशनी। हाँ बुआ। मैंने तेरे पिताजी से बात कर ली, तेरा रिश्ता लेकर आ रहे राम के घर। सच्ची? हाँ। ए मर जानी, मुझे गिराओगी के खाट से तले? जैसे थारा जमाना बढ़िया, तुम अपनी मनपसंद का ब्याह तो कर लोगी। हमारे जमाने में तो माँ बाप ढूंढे तो जैसे गिर दे वैसे चले जावे। मेरे जमाने में ऐसा होता ना, तेरे फूफा से थोड़ी ब्याह करती मैं, मुझे भी कोई धर्मेंद्र जैसा मिलता। तुम कौन सा हेमामाली से कम हो? मरे अंदर मस्का लगाने को। चल हट एक ओड़ को। यार पप्पी, रोशनी से अब ब्याह करना ही पड़ेगा, बड़ी परेशान सी रहवे। अरे तो टेंशन किस बात के, कर ले शादी। ओहो तू बड़ा उतावला हो रहा। उतावले की बात तो ऐसी है, तेरी एक आध साली छट्टी से मेरा भी जुगाड़ बिठ जाएगा। अरे ब्याह तो तेरा कहीं से भी हो जाएगा, थोड़ी सी हरकत सुधार ले। मेरी क्या हरकत खराब है भाई, मैं कच्चे की जगह बनियान और बनियान की जगह कच्चा पहनूं क्या? तेरे में सब कुछ ठीक है, पर दिमाग की जगह दिमाग ना। चल काम कर ले, आता ही होगा फिर डमरू। अन्नू कहेगा कर रहे हैं बात यहाँ। तो मेरा घर ही ना पसंद है। अरे भाई भाई, डांट दो तो मेरा नाश करवा दोगे? क्या हो गया? हो ही गया, सब उधार ही उधार है इसमें। यार मैंने तो अपनी चक्की पर नौकर रख रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा तब मुझे किसी और के यहाँ नौकरी करवा दोगे। अरे डमरू भाई, कोई आटा मांगन ना आवे तो मने ना होती, दे देंगे सब। बस यार तेरी यूं ही बात तो मेरी समझ में ना आती यार, बस मैं भी दिल का ही ऐसा हूँ। कोई बात ना, चल कर काम। देख रहा मुँह करके बकरा सा मुँह। रोशनी, पिताजी भी चाहे हमारी शादी जल्दी से हो जा। पिताजी चाहे क्या मतलब, तुम ना चाहते? अरे मैं भी चाहूँ, पर मैंने सोच लू थोड़े से और रुक ले। राम तुम ऐसे नाटक मत करो, बचपन से अब तक तो इसी उम्मीद पे जीती आई हूँ कि एक दिन तुम्हारे नाम की चूड़ियाँ पहनूंगी, और अब मौका मिला तो तुम ऐसे कर रहे हो।
मैं सोच रहा हूँ घर के हालात थोड़े अच्छे हो जाए, मैं दुनिया की सारी खुशी तुझे देना चाहूँगा। राम मैंने कितनी बार कहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ तुम्हारे साथ के सिवा, मेरे हीरे जवाहरात मोती सिर्फ तुम्हारी हंसी और तुम्हारा साथ ही तो है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सच में। रोशनी फिर भी कुछ तो। बस तुम चुप रहो, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम ही ना चाहते हो, मैं अपनी जान दे रही हूँ। हटो लेना, तुम एक दिन मेरी जान ले लोगे। अरे पागल मजाक कर रहा था, दुल्हन बनने का तैयार हो जा तू। पक्का? पक्का। बात से मुखर तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। हाँ जैसी बोली आज डार्लिंग आज तलक ना बोली तू, जैसी बोली आज डार्लिंग आज तलक ना बोली तू। हाँ मन बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू, हाँ मन बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू, हाँ मन बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। तेरे यार का नाम हो है रे प्यार मोहब्बत मैं सुन टीयर जोड़ घटाना ठीक नहीं, ब्यूटीफुल चेहरे पे ज्यादा गुस्सा लाना ठीक नहीं। तेरा प्यार मोहब्बत मैं सुन टीयर जोड़ घटाना ठीक नहीं, ब्यूटीफुल चेहरे पे ज्यादा गुस्सा लाना ठीक नहीं। तेरे कोयल बन कह को के आज फिर बोल प्रेम की बोली तू, कोयल बन कह को के आज फिर बोल प्रेम की बोली तू। हाँ मन बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू, हाँ मन बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू, हाँ मन बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली। जब जी मैं जी आवेगा फिर बेरुखी यो सहना पावे ते मतिया मर जावेगा, फिर प्यारी सी समाइल के ती जब जी मैं जी आवेगा, फिर बेरुखी यो सहना पावे ते मतिया मर जावेगा। तू गहरा जैसी बात करे ना से मेरी हम झोली तू, गहरा जैसी बात करे ना से मेरी हम झोली तू, हाँ मन बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू, हाँ मन बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू, हाँ मन बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली। अरे कहाँ रह गई लिया चाय? आ गया उसे? हाँ भाई मार दिया। तुझसे उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए गई थी, तू सीधा ही मारी आया। तेरे हाथ बहुत चलने लगे छोटे किस दिन। और क्या करता भाई, गरीब आदमी था, मैंने सोचा कहाँ अस्पतालों के चक्कर काटेगा, दुखों से आजाद कर दिया। अरे कहाँ मर गई लिया चा? जा रे पानी की बोतल ले आया, हाथ धुलवा। हेलो सुल्तान बोल रहा हूँ। नमस्कार भाभी, मेरे लिए भी ले आना चाय। अरे वो मर्डर हुआ ना? अरे छोटे ने क्या यार, उसको रफा दफा कर, तेरी मिठाई शाम को पहुंच जाएगी। अरे यार इतना मुंह मत फाड़ा करो, तुम नीचे से ऊपर तक पैसा देना पड़ता है पता है नहीं?
ठीक है रख फोन। कुछ घर के काम में भी ध्यान लगा ले कर। अब क्या खड़ी है जाए से? इसने फेंक दो, डॉक्टर ने मना कर रखी है। इस धुम्मे से तो मुझे बहुत गंद है। लो दवाई, लो दवाई हमें इसमें। बैठ तू, दो मिनट बैठ जा। राम बेटा तेरी शादी हो जा, तुम अपने पोता पोती को एक बार खिला लूं, उन्हें देख लूं, मैं चाहूं तो शादी कर ले। पिताजी तुम कहीं ना जा रहे, ठीक है ना? राम बेटा सच को ज्यादा दिन नहीं झुठलाया जा सकता। कल तेरी अत्ताई आई थी पड़ोस वाली, वनु कह रही थी उसका रोशनी का बापू आ, वो तुझे देखना आवे, उससे मिल लिए, कोटा लिए ये तड़की और ड्यूटी डाइटी जान को रहने दिए। ठीक है पिताजी, महाराज जैसा आप कहो। महाराज बता रहा, मुझे सब पता तेरे उसके बारे में। तुम भी पिताजी। देख रही राम की माँ तेरे कितना शर्मिला। देख लो गांव वालों, अगर आज मैं समय पर ना आता ना तो इस लाली की जिंदगी बर्बाद कर देता यू। तुम इसे कितना सूदा माने करो, बता लाली क्या कर रहा यू? हाँ जी ऐसा ही है, इसी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। साले लगा था तू बहुत सुधा था। तू क्या कह रही है? नहीं साले रेप करेगा। आ! 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 जन्ने रेप की सजा। किसी के आगे जुबान मत खोल दिए, समझ गई? बैठ। चल रे। राम इतना गंदा काम। राम ओए ओए, ये पुलिस राम को घर लेके जा रही है। बहुत घटिया निकला तेरा यार, गांव में बहुत सूदा बना है ना, कोटे वाले की छोरी पकड़ ली इसने, नाम राम और करम रावण वाले। ना मेरा राम ऐसा कभी ना कर सकता। हाँ तुझे पता तेरा राम ना करने का ऐसा। बहुत घटिया निकला यू तो। चलो रे। ना राम ऐसा कभी ना कर सकता। ये बात होगी, राम को पुलिस वाले उठा के ले गए। मेरा राम ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैं से संस्कार नहीं सिखा रखे उसे। पप्पी तू बचा ले राम। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राम ने गांव की एक महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लिहाजा ये अदालत उन्हें 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती। बहुत बुरा हुआ सर। हाँ सच में बुरा तो हुआ है भाई, बहुत टाइम हो गया, एक कप चाय और हो जाए। नहीं सर, इस चाय से ज्यादा मिठास तो आपकी कहानी में है, मुझे आगे ही कहानी बताओ। अरे मालती तुझे पता है गांव में क्या हो गया? क्या हो गया? मैं तो तड़के से कहीं गई ना हूं बब्बो, आजा बैठ ले। अरे राम ने ना वो राशन वाले की लड़की से कुछ गलत कर दिया। अच्छा उसे पुलिस ले गई पकड़ के। और वो तो लगा बड़ा सिद्धा सा था।
वो हाँ लगाया सीता सा, वो तो जले भी कितना टेढ़ा। अच्छा बताओ, दुनिया में पता ही नहीं लगता कौन कैसा है। बीबी आजकल ऐसा ही जमाना चल रहा, कुछ पता नहीं किसी की कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। हेलो। हाँ भैया, अब आने की जरूरत ना है यहाँ। अरे भैया, मैं तो उस लड़के को बहुत अच्छा समझक रही, उसने तो एक लड़की के गैल बहुत गलत काम कर दिया। अरे भैया, उसे तो पुलिस लेगी पकड़ के, वो तो गया होगा जेल। हाँ अब जरूरत ना है यहाँ आने की। मैं तो नू सोच रही थी, मगर चल अच्छा लड़का भाई अपने पड़ोस में रह जाएगी, मेरी आंखों के सामने रह जाएगी। मुझे क्या पता ही है कि उत्ता इतना कमीना लिखड़ेगा, यू ऐसा कर देगा। ठीक है भैया, मत आइए तू। हमारी रोशनी को के लड़के की कमी पड़ रही है, कहीं और देखेंगे सही सा। हाँ ठीक है। हे भगवान, एक ही रोशनी पता ना कहाँ चली गई, यू पीछा पीछा डायन थाने में तो ना चली गई है। या कहाँ गई थी तू? कहीं ना बुआ, मैं तो यही थी पड़ोस में। अच्छा बुआ, एक बात बताओ, ये मोहल्ले में कैसा शोर हो रहा? तुझे ना पता? अरे राम, उस राशन वाले के वहां राशन लेने गया है और उस राशन वाले की छोरी छेड़ दी उसने। ना बुआ, राम ऐसा ना कर सकता, तुम्हें पता तो है ही। अरे होना के हो गया, उस छोरी ने बयान करे पुलिस के आगे, उसे तो लेगी भी पुलिस पकड़ के, चला गया होगा जेल। मैं अभी देख के आऊं। तू रुक बैठिए। खबरदार, जो उस बलात्कार के घर गई थी तू, तेरा बाप के धोरे कर दूंगी फोन और कहीं तेरा रिश्ता करवा के फुकवा दूंगी तेरा मुंह। सुधर जा तू। क्या हुआ अंकल जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? पानी। तुझे बीच में रखा कहीं मैंने? क्या यहाँ मत आ कर, तेरे समझ में आती है? बुआ इन्हें मैं दवाई दे दूँ, चल तो रही हूँ घर को। तन्ना ठेका था इनकी दवाई देने का, इनको कोई तो चाहिए ख्याल रखने वाला, ऐसे तो ये मर जाएंगे। रख करम जली, तुझे अपनी इज्जत की परवाह ना है तो तुम्हारी की तो कर ले। ये गांव वाले के क्या होंगे, इनके घर आना जाना बनाए रखेंगे तो तू इनके कुछ चल दे ही बता नहीं तुझे। और जो आज के बाद तू यहाँ आगी ना, तभी टांग काट दूंगी देख ले। चलेंगे, चल अब क्या सोच रही खड़ी भाई, चल। राम, अंकल जी। हाँ आपने दवाई खाई? ना बेटा, खाली पेट क्यों कर लू। मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। राम, बहुत दुखी कर दिया। अंकल जी। हाँ बेटा। आप टेंशन मत लेना, राम जल्दी आ जाएगा। और आप बुआ की बातों का बुरा मत माने करो, वो अभी थोड़ी गुस्से में है। हो खड़ी। अच्छा बाप हो गया।
ताऊ जी को डॉक्टर के भी लेके जाना और उनकी दवाई भी दिलवानी। हाँ। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी सुबह होली अभी तक उठे ना? ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी। ताऊ जी। तुम भी चले गए ताऊ जी, अब राम आएगा तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा? शाम में जाओ खाद ले आओ खेत में। देखो जी, राम आपके ही कुनबे का है, आज उसके पिताजी गुजर गए। देखो अगर आदमी सुख में साथ ना हो ना तो दुख में तो साथ हो ही। आप मेरे साथ चल लेते तो देखो उसके पिताजी को कांधा मिल जाता, अंतिम संस्कार हो जाता। आपका ही भाई जी। हमारा ना हो सकता है ऐसा घटिया कुनबा, अब कुत्ते का बाप तो कुत्ता ही होवे। चल लेते मेरे साथ, पर राम आपका बालक। चल निकल यहां से। पता नहीं राम जी का अगर रहा गेहूं की फसल का तो नाश ही हो गया। आपके बारिश काफी हुई है, पता नहीं बारिश में क्या होगा। सारे गेहूं की ऐसी तैसी हो गई। भैया भैया, राम के पिताजी गुजर गए और राम भी जेल में, आपको अच्छे से पता है ना। मेरे साथ चल लो, उसके पिताजी को देखो कंधा मिल जाएगा। हमें ना जाना उस बलात्कारी के बाप को कंधा देने, हमें क्यों गंदा कर रहा है? हमें नहीं बढ़ना भैया पुलिस पुलिस के लपड़े में, तू अपना जा हिला कर। बड़ी आस लगा के आया हूं मैं आपके पास। पुलिस पुलिस के लपड़े में नहीं पड़ेंगे भाई। चलो यार। साल भाई, राम के पिताजी खत्म हो गए, मेरे साथ चल ले एक बार। ओ भाई, मैंने नहीं जाना उस घटिया इंसान के यहाँ पे, मुझ पे क्या दाग लगवाएगा तू? चल हिला कर अपना। आया साला बलात्कारी, चल के चल। मुन्नू भाई, भाई राम के पिताजी गुजर गए मुन्नू भाई, और तेरे को ये भी अच्छे से पता है कि राम जेल में है, मेरे साथ चल ले, उनकी अर्थी को कांधा दे दे, चल ले मेरे भाई। चल भाई, चल अपना काम कर। भाई देख, तेरे राम ने बहुत मदद की है, चल ले मेरे भाई, चल ले। चल चल अपना काम कर। ओ संतराम भाई, ओ संतराम भाई, कहाँ जा रहा भाई? मजदूरी पे जा रहा हूँ भाई। वो राम के पिताजी खत्म हो लिए, बड़ा दुख की बात है भाई। देख कोई ना आ रहा अंतिम संस्कार करने, तू मेरे साथ चल ले और 500 रुपए मजदूरी के तुमसे ले ले। चल मुझे तो भाई मजदूरी वहां भी करनी, थोड़ा स्वाब मिल जाएगा मुझे। चल बांस बल्ली का तुम जाम कर ले। ठीक है।
अरे होया है तो वहाँ पे? हाँ भाई होया। अरे हमने सुनी है राम छुटकारा जेल से। भाई सुनी मैंने भी है, पर मैं तो उसके डर से अपनी बहू को ससुराल छोड़ आया। अब दो चार दिन देखूंगा फिर लेके आऊंगा। अरे ऐसे ना, तेने अपनी बहू अमेरिकन ले रखी, जो तेरी बहू ही देखेगा आके वो। राम मैं तुझे लेने आ रहा था, बस थोड़ी सी ना देर हो गई, बड़ा दुखला पतला भी हो गया, बता क्या बनवाऊं तेरे लिए। राम तू चुप क्यों है, तू ठीक तो है ना? राम देख रोशनी, अगर तन्ने उससे मिलने की कोशिश करी या उसके घर गई तो कल ही तेरा ब्याह कर दूंगी किसी लंगड़े बहरे लूले की गैल, और तुझे कर दूंगी सबिदा, बता रही तुझे बात। चल अब झाड़ू पोछा कर ले। देखे दूसरे के बारे में सोच, कुछ अपने बारे में भी सोच ले, मेरे तो पीछे तेरा क्यों होगा। पिताजी आजकल अपनापन और भरोसा बचा ही कहाँ, बस मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपनापन और भरोसा जिंदा रहे। ये इतनी अच्छाई भी बिल्ली ना उठती, ये दुख दे दे। रो मत भाई राम, ये तो विधि का विधान है, इसे कोई ना बदल सकता भाई। पर जो आगे होगा वो हम ठीक कर सके। कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता। पप्पी पप्पी मुझे पैसे दे, पप्पी मुझे पैसे दे। दे रहा हूँ वो आके, मुझे पैसे दे, मुझे माल लाना, पप्पी मुझे पैसे दे। रुक राम, यहाँ कहीं माल मिले है मैं मर जाऊंगा, मुझे माल माल की सख्त जरूरत है। वो माया सब छोड़ के चुन भोला दरबार, बिन भोले के ये जीवन है ससुरा ले लगा। आराम से भाई आराम से, भोले की बूटी है, रफ्तार से ना खींच, आराम से भाई, लगे किसी बड़ी तकलीफ से गिरा हुआ है। भाई तू क्या समझेगा मेरी तकलीफ को। मेरे यार संसार में कोई इंसान नहीं जो पीड़ा से ना गिरा हो। तू एक इंसान ऐसा मिला है जो मेरी तकलीफ को समझ पाएगा। मत झूठ बोल अपने आप से, मुकाबला करना है एक दिन तुझे आग से, और घाव मरहम से ऊपर के ठीक होते हैं, अंदर के घाव नहीं मिटते इलाज से। वाह बड़े दिलचस्प इंसान हो भाई। सच्चा हूँ, तुमने मेरे में दिलचस्पी जगाई, ये तो तुम्हारा हुनर है। आ मेरे यार तुझे एक और बेहतरीन सी चिलम पिलवाता हूँ, और बेहतरीन सी जगह बैठा है।
हर हर शंभु। जो काम तने कराना भाई ये बिल्कुल अच्छा नहीं करा। भाई मैं तो तुझे बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, पर तू भी दुनिया की ढाल ऐसा ही निकला, बिना जाने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। अच्छा भाई मैं कोई इल्जाम ना लगा रहा, मैं तो नू कह रहा हूँ तने अपना नाम नहीं बताया, यू गलत काम ना करा के। अच्छा अच्छा मैं कुछ और समझ बैठ रहा, मेरा नाम राम है। देख रहे हो राम कलयुग का हाल, आज भी राम वनवास पे ही है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ ये वनवास क्यों चल रहा है? भाई भाई अच्छी खासी नौकरी थी, पिताजी थे, सही नौकरी कर रहा था, एक दिन बलात्कारी का इल्ज़ाम लग गया और जेल चला गया, बस वहाँ से ही बदल गया सब कुछ। अच्छा ले लाइटर दिखा, इसे चेतन करा। हर हर शंभु। जब से झूठ का साया साथ चल रहा है। झूठ और सच, चल भाई तुझे एक बात बताता हूँ। एक बार झूठ और सच ना नहाने गए, दोनों ने कपड़े उतारे और नहाने के लिए नदी में घुस गए। जैसे ही दोनों ने डुबकी लगाई और सच ने बाहर निकल के देखा तो झूठ उसके कपड़े लेके जा चुका था। तब से आज तक झूठ सच के कपड़े पहन के घूम रहा है और सच को कोई सच मानने को तैयार नहीं। तेरी आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं, लगता है तू भी किसी गहरे सदमे में डूबा हुआ है। भाई राम 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, बहुत खुश था मैं, अपनी बीवी से बहुत प्यार भी करा था। वो ना मुझसे बड़ी कम बात करे करती, मुझे लगा शायद अरेंज मैरिज में भाई ऐसे ही होता होगा धीरे धीरे प्यार। फिर एक सुबह जब मैं उठा तो मेरे माँ और पिताजी की लाश पड़ी थी खाट पे, वो नहीं उठे। मेरी बीवी गायब थी, लोग बोले वो भाग गई किसी के साथ, पर मुझे यकीन नहीं था, मुझे लगा उसका किडनैप हो गया। पागलों की तरह ढूंढना मैंने उसे 3 दिन तक। 3 दिन बाद जब मेरी बेटी की लाश कचरे के ढेर में मिली ना राम, अब जाके एहसास हुआ कि उस निर्दयी ने मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी अपने प्यार के चक्कर में। मेरी बेटी की क्या गलती थी राम, तब से दिल से प्यार और दिमाग से दुनियादारी निकल गई, सुकून अब तो बस भोलेनाथ की शरण में है राम। अब भोलेनाथ की शरण में ही रहेंगे, भोलेनाथ जाने। तुमने राम, मुझे तो लगा तुम्हारे लिए अभी भी एक दुनिया। राम तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हम यहाँ से कहीं बाहर चले जाएंगे, हमारी एक दुनिया होगी। पानी 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 पानी, 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 पानी। कर रहे हो ये सब, एक बार तो मेरे बारे में भी सोचो। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर भी तुम्हें सजा भुगतनी पड़ी, लेकिन अब सरकार और समाज की गलती की सजा भी मुझे भुगतनी पड़ेगी क्या? भुगत लूंगी राम, भुगत लूंगी। तुमसे प्यार किया था, इसकी भी सजा भुगतूंगी। राम अच्छा राम।
राम, मैं अपना चलती हूँ। बुआ ने देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। और पानी ये रखा है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर बाद खाना लेकर आऊंगी। कहाँ गई थी तो? बुआ वो मेरी ना चुन्नी हवा से उड़ के राम के घर गिर गई थी, तो उसे वो लेने गई थी। तू मेरा बेवकूफ मत बना, बता रही हूँ तुझे बात, कभी तेरी चुन्नी उड़ा, कभी तू हवा में उड़ा। बेशरम, अपनी इज्जत का ख्याल ना, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर ले। तेरे फूफा के मरने के बाद एक आदमी नहीं इस गांव में जो मेरी तरफ को उंगली उठा दे। अभी तक फोन में लग रहे, रोटी ना बनाई। मेरे पास की ना तेरी और तेरे गुंडों की रोटी थोपनी। इतनी गरम मत में हो, अगर तू ना बनाएगी तेरी माँ बनाएगी रोटी। मेरी माँ क्यों थोपती, अपनी माँ को बुला लेना अलग से। बकवाद ना कर, मैंने तुझसे 20 बार कही है फालतू जवान मत चलाया कर। ऐसी चलाऊंगी जब तक तेरे लक्षण ना सुधरे। इस हिसाब से तू मुझसे कभी बोलने की ना तमीज से? ना बोल लूं। सही कही है किसी ने, तीर कमान और औरत की जवान काबू में रहनी चाहिए। तीर दूसरे को दुख देवे और जवान खुद की दही तुड़वावे औरत की। सही कह बैठी तेरी माँ, तुम दोनों भाई बहुत बड़े नीच हो। हट जाओ, औकात मेरे अपनी। रुक क्यों गया, और मार, मार ही सके तू, और क्या कर सके। अरे जिसकी उतरगी लोई क्या करेगा कोई। मारने की सीमा तुझे और क्या है, एक दिन नाश ही होगा थारा। राम, ओ राम उठ जा, शाम के टाइम ना सोया करते हैं मेरे यार। माल बना चिलम पिलो। क्यों हद करे जा रहा है, अति किसी चीज की भी अच्छी ना है। अरे ज्ञान मत दे, चिलम पिलवा माल। चिलम तो ना यार, सामान ना मिला, पैसे ना थे। क्या करे है तू, माल लिया जाते, इसमें तो हवा भी ना है। बेकिया जैसे बिकती हो। अरे तेरे बचपन की साइकिल है। बचपन ही खत्म हो गया, अब क्या साइकिल रहेगी। रोशनी तू कैसे? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों? शायद इसलिए पूरी जिंदगी करना पड़े। खैर छोड़ो, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। देखना टी शर्ट कितनी गंदी हो रही है। और इसे छोड़ो, जब देखो इसी का पीछा पकड़ लिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगे यू ही तुम्हारा प्यार बन गया दीख है। तुम यही रहो, मैं तुम्हारी टी शर्ट बदलवाऊंगी। अब नहला तो सकती ना, रात हो रही है, सुबह नहलाऊंगी। देखना कैसी हालत बना ली तुमने अपनी, कैसे थे राम तुम। सुबह तुम्हें अच्छे से नहलाकर तुम्हारे पूरे कपड़े चेंज करवाऊंगी, फिर लोवर को भी चेंज करना। लो देखना, अब भी तो अच्छे लग रहे हो, ऐसी रहा करो।
अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। रहने दे तू, कभी तेरी बुआ तुझे मारे। बुआ तो गई है गीतों में, आधी रात से पहले नहाने की है। मैं कुछ बनाने से अच्छा तो मैं तुम्हें घर से ले आती हूँ खाने के लिए। रहने दे तू, थोड़ी देर रुक जाना रोशनी, के पता मेरी सांसें कब रुक जाए। राम मार मार ना, जल्दी मार, बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी है। मार मार क्या हो गया, पानी लाऊं? अरे तू माल बना दे, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, ऐसा हो रहा है कि मर जाऊंगा, बिल्कुल तड़प हो रही है, जल्दी माल दे दे। माल तो ना है यार। माल ला, माल ला, माल 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 लिया, लिया माल। कहां से लिया हूं? एक फूटी कोड़ी ना मेरे दोरे। मैं एक क्या कर रहे हैं? मार लिया, मार मार। तेरा दिमाग खराब है, सिलेंडर बेच रहा है? बेग 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 ना, मेरे बस की ना यो काम करना। ओ रुक जा मार। तू बैठ, मैं लाऊं लाऊं बैठ। लेट जा, मैं ला रहा हूं। राम तुम क्या चाहते हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रोशनी अब कुछ याद नहीं, दिमाग इस धुम्मे की तरह धुंधला हो गया। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लहासे और सलाके दिखती हैं। मैंने तुमसे पहले बोला था ना, सीता माँ ने तो सिर्फ वनवास काटा था, तुम भी मेरे साथ वही कर रहे हो। मैंने भी कहा था ये कलयुग की रामायण है, कुछ तो अलग होगा। राम और शंभू एक हो गए। राम मर जाओगे तुम? मैं तो कब का मर गया। ठीक है तो मैं भी मर जाऊंगी, मेरा भी जीने का कोई फायदा नहीं। मारूंगी तो तुझे मैं कल मुई। कुत्ते हवस के पुजारी तू, तू अपने बाप को तो खा गया, अब मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह करने पर तुला तू। तू मर क्यों ना जाता, कम्मा खत मर जा डूब के। खबरदार बुआ, जो एक भी शब्द बोला तो मेरे राम के बारे में, मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी अपनी हो। तू घर को चलते रहा, तब मैं तोड़ लूं। राम 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 तुम बोलो तो मैं एक कदम ना लाऊंगा इस घर की दहलीज को। आरजू कहाँ रह गई? अरे खीरे तो थे अपनी रसोई में, खेत में चली गई क्या?
बहुत टाइम लगाती है। ये लो। सुनो जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ बिल्कुल, दो बोल। सुनो जी, हमारी शादी को इतनी साल हो गए लेकिन हम बे औलाद हैं। हो सकता है आपकी इन बुरी आदतों की वजह से, अगर आप ये बुरी आदतें छोड़ दो, हो सकता है हमारे घर में भी एक बच्चों की खिलकारियां गूंजे। क्या करेगी औलाद का, छोटा भी तो अपना बालक है, उसी में अपना बच्चा देख। हाँ वो भी हमारा बच्चा ही है, लेकिन आप उसको सुधारने की बजाय बिगाड़ रहे हो। दिन रात वो नशे में रहता है, जब तक आप नहीं सुधरोगे तो आप उसे कैसे सुधारोगे। बस मैं ये चाहती हूँ, बस आप ये सारे काम छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे, तू क्या चाहती है मैं अपना कारोबार बंद करके सड़क पर बैठ के भीख मांगू? अरे डर का धंधा है, ऐसे ही चलेगा? वैसे भी तेरे बाप ने इतनी असर भी ना दी मुझे जो बैठ कर खा लू। चलिए ऐसे सारा नशा उतार दिया। हाय राम, लगवा ली ना चोट, चलो तुम वहां लेटना। माल लेके नहीं आ रहा है रे बेटा, भी आ रहा है माल, माल, माल। आ जाएगा राम, तुम आराम करो, यहाँ बैठो आराम से। आ रहा है विवेक आ जाएगा, तुम मंगा लेना उससे जो मंगाओ। तुमने खाना खाया? माल चाहिए माल। राम विवेक आ जाएगा, उससे मंगा लेना तुम्हें जो मंगाना है। अभी तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा सा खाना बना देती हूँ तुम्हारे लिए, उसे थोड़ा सा खा लेना बस, ठीक है? तुम बैठो। रोशनी मार, विवेक आ रहा है, तुम मंगा लेना, मैं खाना बना दूं तुम्हारे लिए, खाना खा लेना। मानने की नहीं तो करूं तेरे बाप के दौरा फोन, और कल ही तुझे यहां से ब्याह करके तुझे करूंगी यहां से विदा। पर बुआ, राम को मेरी बहुत जरूरत है। अरे तेरी जरूरत कहां से होगी, उसे खुद को अपनी जरूरत ना है। हालत देखिए उसकी कैसी हो रही है, हैं? ना उसे खाने का होश, ना उसे पीने का होश, ना उसे ओढ़ने पहनने का होश। वो हो रहा कहते पागल मरा हो रहा हो, उसे अपनी पता ना कहां बैठा हो।
बुआ इसमें राम की कोई गलती नहीं है। देख रोशनी मेरी गैल जुबान मत लड़ा, अगर मालती जैसा तेरी गैल कोई कांड होगा ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूंगा ना तू ना मैं। तुझे भी जहर देख दूंगी और मैं भी जहर खा लूंगी अगर तू उससे मिलने गई तो। चल जा। विवेक कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि उसकी माफी नहीं होती ना भाई। माफी तो हर गलती की हो जो इंसान ने करी, और सबसे बड़ी माफी उसका पश्चाताप है। अगर दिल से एक बार किसी गलती के लिए पश्चाताप कर लिया ना तो इंसान में इतनी हिम्मत नहीं उस गलती को दोबारा कर दे। यार मैंने आज रोशनी की अंगूठी चुरा ली, नहीं चुराता तो मैं मर जाता, चिलम ना पीता तो, पर मैं अब भी अंदर से मर रहा हूँ। मैंने उस बिचारी की अंगूठी चुरा ली। तू परेशान ना हो, ले दम लगा के दम खींचे। आराम से भाई, आराम से। राम उठ, डॉक्टर के चल तू। भाई कई दिन से छाती में दर्द सा हो रहा। तुझसे कितनी बार कही है सूखे नशे कम कर दे, दिल में दर्द होने की वजह से हो रहा है। क्या भाई तुम तो हर टाइम मेरे नशे के पीछे पड़े रहो, तुम ना कर दे नशा। कोई बात नहीं छोटे। मेरे बाप भैया छोड़ दो भैया, सुल्तान भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। हो गया एहसास तुझे गलती का? हाँ। पता तूने क्या करा? मेरे छोटे के खिलाफ थाने में जाकर रिपोर्ट करेगा तू? सुल्तान भाई मुझे माफ कर दो, खुटा भाई मुझे माफ कर दो। कर देंगे माफ, मैं पुलिस से बता दूंगा कि मैं ही पागल था, जो मैंने रिपोर्ट लिखवाई वो गलत थी, जो मैंने किया वो नादानी में किया। भैया मुझे माफ कर दो। तो पुलिस की चिंता मत करो, उसे हम देख लेंगे। अरे बात तेरी माफी की अभी दे देते हैं। भैया खुटे भैया मुझे माफ कर दो, खुटे भैया छोटे अपने हाथ संभाल भैया, बचा लो थोड़ा परा हो जा छिटाएंगे भैया बचा। हरामखोर क्या हुआ? छोटे 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 अरे गाड़ी निकालो जल्दी। पड़गी ना हाय, देख लिया नतीजा, दुनिया की मौत और बर्बादी के तने बहुत तमाशे देखे, अब दुनिया तेरी मौत और तेरी बर्बादी का तमाशा देखेगी। अपनी जवान बंद कर डायल, नहीं तो तेरी जवान काट कर उसी कचरे के ढेर में फेंक दूंगा जिस खानदान की पैदाई से तू। और तू कर भी क्या सकता है कुत्ते, और तो और गरीबों पे जुर्म, इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है तेरे अंदर? एक बार तेरा एक मर्द से पाला पड़ा था, तैने उसे भी धोखे से मार दिया, नहीं तो मैं तेरे जैसे कुत्ते की नहीं उसी की बीवी होती। अरे गाड़ी निकालो। छोटे आराम से बैठो। छोटे जल्दी चल भाई। डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? अरे भाई कितनी बार बताऊं, इसके लीवर और फेफड़े बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, यदि इसने अब की बार नशे की लत नहीं छोड़ी ना तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। सुन ली तेने, अब से तेरी चिलम बंद है, तू धुएं के दौरे नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ना तो यारी समझिए खत्म। फिर जो दवाई पर्चे पे लिख के दे रखी है वही लेते रहना। अरे ये डॉक्टर ऐसी बता रहे हैं, तू भोले की बूटी लगा, मुझे हुड़क लग रही है। हुड़क लग रही डॉक्टर साहब के सामने बता दूं, चल घर की।
राम राम ना आपका। छोड़ देना ये चिलम कुछ दिन को, ठीक हो जाएगा। तो डमरू भाई, वो राम सिंह की लड़की का ब्याह था ना, तो वे कुंटल आटा लेके गए थे। चलो कोई नहीं, किसी के ब्याह काज में काम आए करें, कभी मना ना करी ऐसे आदमी को। क्या भाई, एक बात तो बता, जैसे राम तेरा दोस्त था, तने समझाया उसे? डमरू भाई, हमने तो 10 फेरी समझा लिया, पर वो किसी की ना समझता। उसने तो अपनी दुनिया बस उस चिलम को बना रखी है। अगर उसके पास जाओ तो बस एक ही बात बोल रहा है कि अगर कुछ समझाना हो तो मेरे पास मत आना। भाई एक बात बता, किसने लड़की से जबरदस्ती करी थी? ना डमरू भाई, मुझे ना लगता। भाई मुझे भी नहीं लगता, वो तो बहुत बड़ा इंसान है, एकदम संस्कारी। खैर कोई बात नहीं भाई, मैं उधार वालों से एक बार चक्कर मारी हूँ और तू काम कर। ठीक है। सुन ली ना डॉक्टर की बात, ध्यान रखिए। अरे सुन ले, तू चिलम बना। अरे फिर चिलम बना, वही बैराग, मान जा, कुछ दिन को रहन दे बस। अरे तेरे से साथ मांगा था, ज्ञान नहीं मांगा। अरे भाई तेरे भले की कह रहा हूँ, कुछ दिन जिंदा रह लेगा, क्यों मरने के लक्षण करे जा तू? तू भाई चिलम बना ले जल्दी, बहुत भूख लग रही है। चिलम तो ना पीन दूं मैं तुझे, कुछ भी हो जाए। तू यहाँ से भाग, मुझे चिलम दे जा। तू ना मानना ना, तेरी तकलीफ बर्दाश्त होती है ना तब। मर के तो मैंने पहले से ही रख रखी थी, पता तू नहीं मानने। ले क्या आनंद बस इसी चीज में, दुनियादारी में कोई आनंद नहीं। भाई है क्या? उतार भाई राम राम, क्या गलती होगी मुझसे? गलती हरिया तुझसे ना हुई, गलती तो मुझसे उस दिन होगी थी जिस दिन मैंने तेरे साथ अन्याय करा। मेरा छोटा भाई है ना, उसके दिल में छेद है। डॉक्टर ने कहा कि कल तक अगर उसका दिल ना बदला गया ना, वो मर जाएगा। हरिया तेरे पति 6 बेटे ना, एक बेटे की कुर्बानी देते, जो तू कहेगा उतना पैसा दे दूंगा, 10-20 लाख रुपए, और तेरे बाकी 5 बेटों की जिंदगी भी अच्छी होगी, तेरी जिंदगी भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस एक बेटे का दिल दे दे मुझे। मैं तो अपने 6 बेटे 6 बेटे एक बच्चे का नकून का कतरा भी ना देने का हूं तुझे तो। चला यार इसे, मर जान दे उसे। हरिया जैसी करनी वैसी भरनी। ए मीनाक्षी,
क्या बना लिया? अरे क्या बनाती, वो रोज के वही आलू टमाटर दाल, और क्या रखा है। और राम का कुछ पता चला? अरे उस राम का क्या पता चलता, नंबर एक का तो भंगेड़ी है वो, नशे में चूर रहे, पूरे गांव में यूं ही घूमता रहे नशे में। तेरे साथ तो बहुत अच्छा किया उसने। अरे मुझे पता है किस नियत से अच्छा करा उसने। ये दुनिया भी पता नहीं कैसी हो गई। राम तुम एक बार मेरे लिए बदलने की कोशिश तो करो खुद को। तुम क्यों नहीं समझते, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, तुम मेरे लिए खुद से भी नहीं लड़ सकते। रोशनी मैं किसी के लायक नहीं बचा, खुद मैं अपने लायक नहीं हूँ। तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, तेरे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं अब। जो मुझसे आज के बाद दूर भी जाने की बात करी तो आओ खड़े हो। सतीश भाई राम। अरे सुल्तान भाई, आपका तो मैंने सारा कर्जा चुका दिया था, आप कैसे? मैं आज कर्जा लेने नहीं आया, अपने भाई की जिंदगी मांगने आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसको दिल मिल जाए तो जिंदा रह सकता नहीं, मर जाएगा। सतीश भाई तुम्हारे लिए तुम मदद मांग रहे हो जिसने कभी आज तक किसी की मदद नहीं करी, गरीबों का खून चूसते रहे, उनकी हड्डियों से मकान बना लिया तुमने, आज मदद मांगने आए। सतीश भाई तुम्हारी चिंता की बात नहीं है, पूरे घर की सारी जिम्मेदारी मैं रखूंगा, छोटी गुड़िया की शादी से लेकर तुम्हारी माँ बाप सबकी, पूरा जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मेरे भाई को दिल दे। देख, तेरे लिए कोई मदद नहीं है, मेरे पास एक दिल है, इसमें चाकू मार के मर जाऊंगा पर तेरी मदद नहीं करूंगा। सुल्तान भाई यहाँ कैसे बैठे हैं? अरे कोई बात नहीं, बैठे रहो। मुख्तार भाई तुम मेरे घर आए थे ना, तुम्हें पैसे की जरूरत थी, मैं पैसा दूंगा, तुम्हारी बिटिया की शादी मैं करूंगा, तुम्हें जो भी दिक्कत होगी मैं बहुत सारा पैसा दूंगा तुम्हें, बस मेरे छोटे भाई की जिंदगी बचा लो, उसे अपना दिल दे दो। अरे तुम समझने के लिए बच्चा है, तुमने तो जिंदगी देख ली। मुख्तार भाई दोगे अपना दिल? नहीं। हाँ डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आप भी तो कोशिश करो डॉक्टर साहब। मैंने आपसे कहा कितना भी पैसा लग जाए, 10-20-30 लाख रुपए, मैं बहुत पैसा दूंगा डॉक्टर साहब, आप भी तो कोशिश करो। मेरी कोशिश सारी नाकाम हो गई डॉक्टर साहब। ऐसा मत बोलो डॉक्टर साहब, आप तो बहुत भगवान हो डॉक्टर साहब आप। मैंने कहा ना खरीद लो, बहुत पैसा दे दूंगा, इतनी सी तो बात, दिल्ली तो खरीदना डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, करता हूं मैं। राम, राम सुल्तान आप बैठ भाई। ठीक है तू? ना भाई राम ठीक ना है, छोटा अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर कह रहे हैं अगर उसका दिल ना बदला गया ना वो मर जाएगा। पूरे गांव से मदद मांग ली, कोई मदद करने को तैयार ना। तुमने इंसान कमाए होते ना तो ये दिल ना देखने पड़ते। ना राम ऐसी बात ना है, तूने तो इंसान कमाए थे, तेरे साथ क्या क्या। हाँ यू भी तू ठीक कह रहा। करेगा मदद मेरी राम? मेरा लीवर किडनी सब खराब है, एक दिल ही बचा था वो भी तैने मांग लिया दिया। तू सच कह रहा भाई? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं कै दिन जीऊंगा, मेरा सब कुछ खत्म है। तेरा भाई कुछ दिन जी लेगा। तू महान है वाकई राम, बहुत महान है। सुल्तान पर तूने मेरी कुछ बातें माननी होंगी। हाँ हाँ बता राम। तूने जो सारे गांव की जमीन हड़पी है वो वापिस करनी पड़ेगी, अल्लाह का कर्जा माफ करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर दूंगा बिल्कुल राम कर दूंगा। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये है कि जो तेरे गुनाह की सजा काट रहे हैं ना उन्हें तू कबूल कर ले। कबूल कर लूंगा भाई, तू जैसे महान इंसान को देखकर आज एहसास हुआ है मुझे कि मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। अच्छा राम तुझे एक पल भी नहीं लगा कि तेरी जिंदगी की सांसें थम जाएंगी? इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी के लिए कुर्बान। मुझे माफ कर दे राम, अगर तुझ जैसा मुझ में एक भी गुण होता तो मैं भी सुकून की नींद सो पाता। अब सो लिए सुकून की नींद। राम जी मैं इतने दिनों से आपके पास आना चाह रहा था पर आपने एक ना सुनी मेरी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं पर आपने भी तो 14 साल वनवास काटा था। एक भगत सिंह क्या उम्र थी उसकी, 23 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गया। मैं अपने गांव के लिए ये कुर्बानी नहीं दे सकता। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ठीक और क्या खराब, मेरी जिंदगी तो खराब ही है। हाँ माँ करम सामने आ रहे हैं, अब गांव में कोई साथ ना दे रहा, मेरी तो कदी सुनी ना है।
हाँ कही तो है, एक नशेड़ी से ने कही है, अब उसकी बात पे क्या भरोसा करें। हाँ हाँ चलो ठीक है माँ, मैं रख रही हूँ, कल बात करूंगी। ठीक है माँ, राम राम। जानते हो कौन है यू? अरे भैया इसकी तो लिखी हुई थी, इसे तो एक ना एक दिन जाना ही था। जो हुआ ठीक हुआ, चलो चलो भैया अपने घर को, यहाँ का तमाशा हो रहा। अबे चुप, तुम जानते भी उसने क्या करा? जब पूरे गांव ने मेरे भाई को दिल देने से मना कर दिया ना, इसने अपना दिल देकर मेरी छोटे की जान बचाई है। दो मिनट खड़ा होना भारी हो रहा ना तुझे, निकाल यहां से। अरे तो तू हमें क्यों सुना रहा, तू भी जल्लाद अयू भी हैवान। अरे अचंभा हो मुझे तुम जैसे घटिया लोगों की घटिया सोच पे, कम से कम सुन तो लो वो इंसान क्या कह रहा है। अरे साले क्या सुनेंगे, ये तो खुद ही अंधे हैं, ना इन्हें कुछ दिखा और ना ये कुछ देखना चाहे। जानते हो उसने मेरे भाई की मदद क्यों करी? इसने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि आप लोगों का कर्जा माफ किया जाएगा, आप लोगों की जमीनें लौटा दूं मैं। मालती के साथ इसने कुछ नहीं किया। हाँ भाई, पापा कहाँ है तेरे? पापा तो नहीं है, वे तो कोटे का सामान लेने जा रहे हैं। ऐसा सामान घर छोड़ के सामान बाहर लेने जा रहे हैं? क्या मतलब? मतलब तो समझा दूंगा मेरी जान। देखो दूर रहो मुझसे। ऐसे कैसे दूर हो जाऊं, तेरा तो बहुत दिन से इंतजार था मुझे। पीछे रहो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, छोड़ दो, क्या कर रहे हो? ये करो ऐसे। कोटे वाले की छोरी है ना? अरे हाँ हाँ, तुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लियो। तू है कहाँ भी ये बता। अच्छा मेरे काम में ही है, जल्दी भेज, जल्दी बहुत जल्दी आ जा। ठीक है। सुन लड़की, अगर तूने मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहा तो तेरे बाप को आज रात ही जान से मार डालूंगा। मेरे पापा को कुछ मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ चुपचाप ऐसा कर, सारा का सारा इल्जाम इस पर डाल दियो, सारा का सारा, वरना तुझे मेरा पता ही है मैं कैसा हूँ। समझ गई ना समझी? क्या हो रहा रहे हो हैं? मालती का गुनहगार भी मेरा छोटा भाई है, ये तो बहुत नेक इंसान था। मेरे जितने भी गुनाह थे मैंने पुलिस के सामने कबूल कर लिया, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, थोड़ी देर बाद आएगी।
इस सच्चे इंसान के लिए। कुत्ते कमीने, तुझे भौंकना या तो पहले भौंकता, इस मासूम की बेचारे की जान लेकर अब भौंक रहा तू। अरे हमने इस मासूम पे विश्वास ना करा, तू जैसे दरिंदे पे विश्वास करा, तने पूरे गांव का बेवकूफ बना रखा, तने पूरा गांव ठग रखा, सबकी बद्दुआ लगेगी तेरा, पड़ेंगे कीड़े जैसे, तने बुरा कर रखा सारे गांव की गैर, होगा तेरा नाश। समाज, गांव, लोग, अरे बड़ा भरोसा होता है इंसान को समाज पे। हर इंसान अपने दिमाग में इज्जत रख के बैठा होता है कि ये करूंगा तो समाज वो सोचेगा, वो करूंगा तो समाज ये सोचेगा। ऐसा ही था राम भी, आप लोगों के बीच में बचपन से पला बड़ा, लेकिन आप लोगों ने उस पर यकीन तक नहीं किया। इस जल्लाद पे यकीन करते रहे, लेकिन इस मासूम पे किसी ने यकीन नहीं किया। क्या लगता है राम मरा है? नहीं, आप लोगों ने मारा है, ये पूरा गांव हत्यारा है राम का। एक इंसान जो इसी गांव में रहा, आप लोगों के साथ रहा, खास खास के मर गया, लेकिन इसके बाप को कोई अर्थी को कंधा देने तक नहीं आया। घटिया हो आप सब लोग, और अगर यही समाज होता है ना तो घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे इस समाज से। अरे समाज तो सम्मान, एकता, एहसास करने साथ ही होता है। आप लोगों ने ना इसका नाश कर दिया, खा गए इसका जीवन आप। राम, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे। सुल्तान, आज तेरा शासन खत्म। सुल्तान चल थाने में, तेरा आज गुंडा राज खत्म कर देंगे। बहुत परेशान कर लिया तूने इन गांव वालों को, चल। बहुत सताया तेने, साले गरीबों को सताता है पूरा गांव। क्या खड़े देख रहे हो तुम लोग, जानते क्यों नहीं अपने अपने घर को? सब कुछ तो मिल गया, तुम्हारा कर्जा माफ हो गया, जमीनें मिल गई। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? ऐसे लोग हैं, तभी तो पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ है। अगर ऐसे लोग ना होते तो ये दुनिया जलकर कब की राख हो जाती। वैसे सर, इसमें गलती किसकी थी? गलती? गलती थी समाज की, इस गंदी सोच की। सर जी, उस लड़की रोशनी का क्या हुआ? रोशनी? रोशनी आज भी राम के घर रहकर उस घर को रोशन कर रही है। राम, नहीं सुनोगे? बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, शैतानियों में किसी की नहीं मानते बात। पापा से प्रणाम करो, आज पापा की बर्थडे है ना, पापा से प्रॉमिस करो कि मैं बिल्कुल आपकी तरह बनूंगा। पापा, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनूंगा। हमने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू, हमने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू, हमने बता क्यों हो रही कड़वे नीम की न बोली तू। तेरे यार का नाम होता है रे प्यार मोहब्बत में सुन टीयर जोड़ घटाना ठीक नहीं, ब्यूटीफुल चेहरे पे ज्यादा गुस्सा लाना ठीक नहीं। रे प्यार मोहब्बत में सुन टीयर जोड़ घटाना ठीक नहीं, ब्यूटीफुल चेहरे पे ज्यादा गुस्सा।
फिर बोल प्रेम।